न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन बेंगलोर की धरती पे मैदान पे तूफान आया। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा का, दोस्तों बारिश के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने 13 शतक जड़ दिया। दुनिया का ये सबसे तेज 13 शतक है। दोस्तों अभी रोहित शर्मा को महान बल्लेबाज मानते हो, इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेली थी, जिसको टीम इंडिया ने 2-0 से जीत करके इतिहास रचा और अब 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज हुआ भारत और न्यूजीलैंड टीम के बीच में, जिसका पहला टेस्ट मुकाबला आज यानी कि 16 अक्टूबर को खेला गया और ये मुकाबला 20 अक्टूबर तक चलने वाला है और ये मुकाबला बेंगलोर के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में स्टार्ट हुआ। हालांकि दोस्तों स्टार्टिंग में बारिश आई, बारिश की वजह से ये खेल रुक गया, मगर दोस्तों 1 बजे के बाद ये मुकाबला स्टार्ट हुआ, जिसमें रोहित शर्मा ने टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बहुत जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी की, टेस्ट मुकाबले को T20 बना दिया और इनका साथ दिया यशस्वी जायसवाल ने। दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने पहले दिन के खेल खत्म होने तक 80 रन की नाबाद पारी खेल डाली और अभी भी नाबाद है, मगर दोस्तों न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने मैच 120 गेंदों का सामना करते हुए 302 रन की विस्फोटक पारी खेल डाली और ऐसा करने वाले दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बने, जिनके नाम पहले दिन ही 13 शतक दर्ज है।